हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। चलिए ईसीजी को पढ़ें, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को। क्वेश्चन इस बार आपको आने की उम्मीद है ईसीजी से। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज़ यूज टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यूज टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो ये किसको रिकॉर्ड कर रहा है? इलेक्ट्रिकिटी ऑफ हार्ट को ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी, अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विद थ्री इलेक्ट्रिकल लीड्स, वन टू ईच रिस्ट एंड टू द लेफ्ट एंकल। दोनों कलाई पे और लेफ्ट एंकल पे जोड़ दी जाती है एक एक लीड। ठीक है जी। पेशेंट इज कनेक्टेड टू मशीन विद थ्री इलेक्ट्रिकल लीड्स, वन टू ईच रिस्ट एंड लेफ्ट एंकल, दैट कंटिन्यूसली मोनिटर द हार्ट एक्टिविटी। ठीक है जी। इंथोमैन इन्वेंटेड फर्स्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नाम याद रख लीजिएगा, वैसे पूछा नहीं जाता। ईच पीक इन ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विद द लेटर पी टू टी, पी क्यू आर एस टी, पांच अल्फाबेट है। ईच पीक इन द ईसीजी आइडेंटिफाइड विद द लेटर पी टू टी, दैट कोरस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो हम लोग इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हार्ट की रिकॉर्ड कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इसमें आपको डिफ्लेक्शन जो दिखा रही है हार्ट को रिकॉर्ड करने में, जो हमारी निडल डिफ्लेक्शन दिखा रही वो रिकॉर्ड हो जाएंगे, और वही बना रहे पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। ठीक है, आइए आगे चलें। तो तीन लीड को जोड़ा गया है, दोनों रिस्ट पे और लेफ्ट एंकल पे। पी वेव रिप्रेजेंट्स, यहीं से क्वेश्चन आता है आपको, पी वेव रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, विच लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डिपोलराइजेशन होगा, जिसको हम एक्साइटेशन बोल रहे हैं। पी आर इंटरवल रिप्रेजेंट्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन इम्पल्स टू ट्रेवल थ्रू द एट्रिया एंड ए वी नोड टू द रिमेनिंग कंडक्टिव टिश्यू। ठीक है जी। तो इसको समय लगा, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुआ उस इम्पल्स को ट्रैवल करने में, किसको? एट्रिया को ट्रैवल करने में और एवी नोड को ट्रैवल करने में और हार्ट के रिमेनिंग कंडक्टिव टिश्यू को ट्रैवल करने में जो समय लगा, वो समय है पी आर इंटरवल। तो पी वेव रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ हार्ट एट्रिया, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, या कहिए इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल, विच इनिशिएट्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, यहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए। एंड टी वेव रिप्रेजेंट्स रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट टू नॉर्मल स्टेट। तो पी वेव किसको बता रहे? डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किसको बता रहा? डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। एंड टी वेव किसको बता रहा? रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू नॉर्मल स्टेट। द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो सिस्टोल को एंड को दर्शाता है एंड ऑफ टी वेव। इतना याद रखेंगे आपका काम चलेगा। आइए, बाय काउंटिंग द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वन कैन डिटरमिन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, उसको अगर आप काउंट कर लेंगे तो आप हार्ट बीट रेट को इंडिविजुअल की आइडेंटिफाई कर लेंगे। इलोंगेशन ऑफ पी वेव इंडिकेट्स इनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया। अगर पी वेव का इलोंगेशन ज़्यादा समय ले रही है तो इसका मतलब है एट्रिया इनलार्ज हो गए। इनलार्ज क्यू एंड आर वेव इंडिकेट्स मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और अगर क्यू और आर वेव का इनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से ये हो रहा है। ठीक है जी, आगे चलिए। इफ हार्ट साउंड रिकॉर्डिंग एंड ई सी जी आर सुपर इम्पोज। अगर आपने हार्ट साउंड रिकॉर्ड करी है और ईसीजी, और दोनों को आप एक साथ इकट्ठे रीड कर दो, द फर्स्ट हार्ट साउंड वुड अकर। कब होगा फर्स्ट हार्ट साउंड? तो करेक्ट आंसर है जस्ट आफ्टर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। जस्ट आफ्टर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो ए वी नोड, ए जो हमारे ए वी वॉल्व हैं वो बंद हो जाएंगे। एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज आफ्टर द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड इट प्रोड्यूसेस द फर्स्ट हार्ट साउंड। तो लव साउंड जो आती है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के क्लोज होने की वजह से आ रही है, और ये कब हो रहा है? जस्ट आफ्टर आपके क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो हार्ट साउंड रिकॉर्डिंग अगर सुपर इम्पोज आप कर रहे हैं तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जस्ट आफ्टर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के ठीक बाद आपको सुनाई देगा क्या? आपको सुनाई देगी फर्स्ट हार्ट साउंड। ठीक है जी।
फर्स्ट हार्ट साउंड अगर आप ईसीजी से कोरिलेट करें, कब सुनाई देगी? फर्स्ट हार्ट साउंड आपको सुनाई देगी जस्ट आफ्टर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पी वेव के बाद क्यूआरएस और फिर टी वेव, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के जस्ट बाद आपको, क्योंकि ये क्या दिखा रहा, ये दिखा रहा वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ही बंद होता है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता तब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल क्लोज हो जाते हैं और यही प्रोड्यूस कर रहे हैं आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड। ओके, चलिए आगे। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ईसीजी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो पी वेव रिप्रेजेंट करता है डिपोलाइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? डिपोलाइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। आपका क्या जवाब होगा? डिपोलाइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो पी वेव रिप्रेजेंट्स डिपोलाइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट डिपोलाइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड टी वेव रिप्रेजेंट्स रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू नॉर्मल स्टेट। क्वेश्चन इसी तरह से आपका आता है। इन ईसीजी डिफ्लेक्शन वेव्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल अकर्स, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कब होता है? तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपका हो रहा है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के दौरान, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, यही वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन या एक्साइटेशन करता। तो पी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है डिपोलाइजेशन ऑफ एट्रिया, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है डिपोलाइजेशन ऑफ वेंट्रिकल वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, टी वेव रिप्रेजेंट कर रहा वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन, वेंट्रिकल एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट की तरफ आते हैं। ईसीजी किसको रिकॉर्ड करता है? इलेक्ट्रिक करंट ऑफ बॉडी, इलेक्ट्रिक करंट को रिकॉर्ड करता है, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हार्ट की रिकॉर्ड करता है। हार्ट लिखा नहीं, बॉडी लिखा है, तो बॉडी के साथ चले जाइए। इन अ स्टैंडर्ड ईसीजी द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द बिगनिंग ऑफ सिस्टोल, नो एंड ऑफ सिस्टोल। द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, हाँ इसी को चुन लीजिए। द एंड ऑफ पी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, पी वेव में तो सिस्टोल हो रहा है, डिपोलराइजेशन होगा, सिस्टोल होगा, तो एक तरह से पी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर्टियल डिपोलराइजेशन को, बिगनिंग ऑफ आर्टियल सिस्टोल को। तो ये यहाँ पे एंड लिखा है, ये आंसर नहीं हो सकता। द एंड ऑफ क्यू वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, द एंड ऑफ क्यू वेव मार्क्स द बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है जी। आंसर क्या हो जाएगा? द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। तो ये था आपका ईसीजी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, द टी वेव इन ईसीजी रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू नॉर्मल स्टेट, ठीक। ईसीजी अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन मैंने कोशिश करी आपको लगवा दूँ कुछ। मिलता हूँ ब्रेक के बाद, नीट की तैयारी करते रहिए, थोड़ा ही समय बचा है।